आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, मोदी कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। 17 से 22 नए चेहरों को मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। मोदी कैबिनेट में जेडीयू, एलजेपी और अपना दल जैसे सहयोगी पार्टियों को जगह मिल सकती है। मोदी कैबिनेट में अभी 28 मंत्रियों के लिए जगह खाली है, मतलब 28 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन अभी 17 से 22 को ही शामिल किया जाएगा। फिलहाल मोदी मंत्री परिषद में 53 मंत्री हैं, जबकि 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो विस्तार में यूपी से 3 से 5 मंत्रियों को जगह मिल सकती है, बिहार से 2 से 3 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, मध्य प्रदेश से भी 1 से 2 मंत्री शामिल होंगे। तो आखिरकार मायने क्या है ये जो मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है, इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए आप। सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि यूपी का विधानसभा चुनाव होना है अगले साल 2022 में। दूसरी बात ये कि सहयोगियों को जगह इस मंत्रिमंडल में फेरबदल के जरिए। तीसरी बात ये, पूर्व मुख्यमंत्रियों को मौका दिया जाएगा मंत्रिमंडल में फेरबदल के जरिए। चौथी बात ये, शिवसेना के लिए भी सिग्नल, शिवसेना को रेड सिग्नल, जम्मू कश्मीर पर खासतौर से फोकस रह सकता है, नए चेहरों पर जोर रहने वाला है, नए चेहरों के साथ साथ युवाओं को तरजीह दी जा सकती है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं, और इसी के जरिए जरा रणनीति समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो रणनीति क्या रहने वाली है जिस पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए। पंकज, पहले आप आ जाइए, उसके बाद विकास और ब्रजेश के पास चलिए। देखिए, दो बड़ी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनडीए के इस ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उस पर एक तरीके से एक मैसेज जाएगा कि एनडीए के सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना। उससे सबसे पहली बात जो ये है, उसमें अगर देखिए, जेडीयू पिछली बार जो चाय पार्टी थी, प्रधानमंत्री ने जो बुलाया था, उसका जेडीयू ने बहिष्कार कर दिया था। उस वक्त कुछ मामला फंस गया था। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, नीतीश की अगुवाई में वहाँ बीजेपी एनडीए की सरकार बनी, तो जेडीयू के कोटे से शामिल कराया जाएगा। यूपी में भी यही बात है, अपना दल के अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। कुल मिला के कोशिश है कि जब शिवसेना और साथ ही अकाली दल जैसे पुराने और सहयोगी और भरोसेमंद जो पार्टनर निकल गए हैं, उसके बाद जो बचे हुए, दिखाने के लिए कि हाँ, ये इतनी पार्टियां और इतने लोगों को साथ लेकर हम चल सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यूपी का विधानसभा चुनाव, चुनाव तो पंजाब में भी है, गोवा में भी है, लेकिन यूपी के जब बात होती है तो बिल्कुल अलग होती है। यूपी का चुनाव और सत्ता में बने रहने की चुनौती, 14 साल के बाद ये सत्ता का वनवास खत्म हुआ है यूपी में, उसके लिए एक सामाजिक समीकरण और सहयोगी दल दोनों को साथ लेने वाली इस मंत्रिमंडल विस्तार में उसकी छाप दिखाई पड़ेगी आपको। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और वैसे भी इस मोदी मंत्रिमंडल के लिए कहा जाता है, विकास भतौरिया बेहतर बता पाएंगे, कि अगर रामदास आठवले ना हो तो फिर तो ये बीजेपी का ही मंत्रिमंडल हो गया। उसको एनडीए का मंत्रिमंडल जो है वो सिर्फ एक रामदास आठवले बना रहे हैं। तो इस बार कोशिश रहेगी कि एनडीए सरकार और मंत्रिमंडल में भी एनडीए का रिप्रेजेंटेशन। विकास जी, हाँ बिल्कुल, इस बार कोशिश है कि जो कोरोना के बाद हालात बने हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये मानना है कि एनडीए का विस्तार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के बाद हालात में लोगों को निश्चित रूप से हर राज्य में लोगों ने अपनों को खोया है, करीबियों को खोया है, न केवल करीबियों को खोया है बल्कि उनके धंधे पानी भी चौपट हो गए हैं, हर तरह से आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको सामाजिक तौर पर नुकसान हुआ है। और इसी जो डैमेज हुआ है इस कोरोना काल में जो बीजेपी का, उस डैमेज कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मुश्किल वक्त में अगर सहयोगियों को आप जोड़ लेते हैं तो अच्छे वक्त में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मानना है कि ये 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे ना, ये इन 5 राज्यों में करीब 26 करोड़ मतदाता अपना वोट डालेंगे, और इस 26 करोड़ मतदाता जब वोट डालेंगे तो उससे पहले उसका असर क्या होगा विधानसभा चुनाव में, वो यहाँ पर अपने जरिए लिखने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस विस्तार की कहानी लिखकर, क्योंकि इस विस्तार से वो सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन को ना केवल साधने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि इन क्षेत्रीय भावनाओं को भी कैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान ये जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हों, चाहे ओबीसी से हों, चाहे अनुसूचित जाति से हों, चाहे जाट हों, चाहे गुर्जर हों,
चाहे पिछड़े तबके से हों, इनके ज़रिए वो उन जनभावनाओं को कैच कराने की कोशिश करेंगे जो पिछले कोरोना काल से लेकर पिछले 1.5 से 2 साल में बुरी तरह हर मतलब जिसको कहेंगे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर जो बीजेपी का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने की भी कोशिश करेंगे। इन तबकों को, इन क्षेत्रों को मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार आपके लिए खड़ी है, आपके प्रतिनिधित्व को केंद्र में और मजबूत किया जा रहा है, आपकी जो आवाज़ें होंगी वो इन प्रतिनिधियों के जरिए हम सुन रहे हैं और उन आवाज़ों को सुनकर हम योजनाओं के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। और इसलिए इसकी कोशिशें इस मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शुरू हो गई थी जब उनकी जिनको कहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स की मिनिस्ट्री की बाकायदा समीक्षा की प्रधानमंत्री ने कि इन मंत्रालयों ने जो सीधे आम आदमी से जुड़े हैं उसने कोरोना काल में क्या किया, कहाँ चूक हुई, कहाँ हम इसको और बेहतर कर सकते हैं ताकि आम मानव का जीवन जो है और ज़्यादा सरल और सुलभ बनाया जा सके। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं ब्रजेश के पास, अब दर्शकों को लेकर चलते हैं। ब्रजेश, मतलब जनता के लिए तो संदेश होगा ही कि भाई सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए, यही सोच इस मंत्रिमंडल के जरिए देखने के लिए मिलेगी। मध्य प्रदेश को लेकर अगर बात की जाए तो शायद संदेश नेताओं के लिए भी कि अगर खिलाने में आपकी भूमिका है तो फिर आपको नवाजा जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में सवाल पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा रोमाना, कि दरअसल मध्य प्रदेश में सिंधिया से को मंत्री बनाया जाएगा तो उसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपने आड़े वक्त पे मुश्किल वक्त हमारा साथ दिया, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, उस बहाने बीजेपी की सरकार बनी, जो कांग्रेस की सरकार जो 15 साल के वनवास के बाद दोबारा लौटी थी, 15 महीने में चली गई। तो यदि इस बीजेपी को 15 महीने बाद फिर चौथी बार सत्ता मिली है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं जिनका बड़ा बोलबाला है वो लगातार यही सवाल पूछेगा मैं सिंधिया जी को क्या, तो सिंधिया जी को निश्चित ही अब नवाजा जाएगा। और मध्य प्रदेश में और सिंधिया के जो समर्थक वो तो ये भी मान के चल रहे हैं कि उनको मंत्री बनना है, और साथ ही वो पोर्टफोलियो भी डिसाइड कर रहे हैं, उनका कहना है कि सिंधिया जी रेल मंत्री बनेंगे। तो इस तरह की बातें मध्य प्रदेश में लगातार चल रही हैं, और मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार का इंतजार इसलिए भी किया जा रहा था कि देखने वाली चीज़ थी कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी और सिंधिया समर्थकों की तरफ से भी कि आखिर हमारे सिंधिया जी को मोदी क्या जगह देते हैं, कितनी तवज्जो देते हैं, क्योंकि उनके साथ जितने लोग आए थे सबको मंत्री तो बना दिया गया, और अभी हाल में जो संगठन में जो विस्तार हो रहा है तो सिंधिया समर्थकों की जबरदस्त चल रही है। सिंधिया जी की पकड़ जैसी कांग्रेस में थी वैसी बीजेपी में लगातार दिख रही है, और यदि वो मंत्री बन जाएंगे तो निश्चित ही साबित हो जाएगा कि जो डील हुई थी उस जमाने में, उस 15 महीने की सरकार गिराने को लेकर उस डील की एक एक बात मानी गई, उनके समर्थकों को, मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को मंत्री बनाया गया, और वो जब आए हैं तो उनको मंत्री बनाया जाएगा। और एकदम एक मैसेज बिल्कुल साफ है कि सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र की राजनीति करेंगे और सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति करेंगे, और फिर चुनाव जिताने के लिए दोनों एक साथ मिलकर चलेंगे, क्योंकि दोनों युवा हैं, दोनों प्रभावशाली हैं, दोनों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, तो बीजेपी इन दोनों नेताओं को साथ लेकर चलना चाहती है। बस दोनों की जिम्मेदारियां और डी या खेल के मैदान अलग अलग रखेगी, तो ये बहुत बड़ा संदेश बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं को जाएगा जिसमें अब सिंधिया समर्थक भी शामिल है। ठीक है, मुझे लगता है एक बार फिर से हमें जरा सा विकास के पास चलना चाहिए, और विकास से ये समझना चाह रहे थे हम कि विकास भदौरिया, हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं, हम कौन कौन संभावित चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये विस्तार होगा तो फिर क्या किसी पर तलवार भी लटकती हुई नजर आ रही है क्या, कुछ फेरबदल भी हो सकता है क्या? संगठन से शामिल करने के नाम पर सरकार में कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल से निकालकर संगठन में दोबारा भेज दिया जाए, आने वाले वक्त में चुनाव तो है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए इस तरह की अटकलें हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं है कि कौन से चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर जाएंगे। अटकलें ज़रूर बहुत सारी लग रही हैं और हम अटकलों को हवा नहीं देना चाहते, इसलिए जब तक हमारे सूत्र पुष्टि करके ये नहीं बताएंगे कि कौन से चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल से बाहर जाएंगे, चाहे वो उम्र के आधार पर हों, चाहे वो संगठन के आधार पर हों, या फिर वो किसी और वजह से हों, लेकिन जब तक हमारे सूत्र पुष्ट खबर नहीं देते तब तक हम एबीपी न्यूज़ का वायदा है, खबर अटकलें अफवाहों को हम नहीं दिखाते, हम वही खबर दिखाते हैं जो पुष्ट है। जैसे हमने पहली बार भी मैं ही आज दिखा दिया कि मंत्रिमंडल का विस्तार अगले 48 घंटे में होने वाला है, और थोड़ी देर बाद हम आपको वो समय और तारीख भी एग्जैक्ट बता देंगे। अभी हम 6, 7, 8 तारीख तीनों तारीखों के समय बता रहे हैं कि किस समय होगी, और थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि वो तारीख और समय भी एक साथ बता दें। तो अभी हम इस पर विराम देना ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि कौन कैबिनेट से बाहर जाएगा और कौन संगठन में आएगा या कौन संगठन से कैबिनेट में जाएगा, और जैसे इसकी पुष्टि होगी तो आप भरोसा रखिए सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर देखेंगे रोमाना। पंकज के पास मुझे चलना चाहिए, लगता है कि पंकज जिस तरीके से फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश को लेकर रहेगा इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए, और
आगे योगी मंत्रिमंडल का को लेकर भी चर्चा थी कि उसमें भी कुछ तब्दीली होगी, तो मोदी मंत्रिमंडल के जरिए वो योगी मंत्रिमंडल जो है उसका भी कुछ रास्ता आसान हो सकता है फिर बदल कर? इस बात की संभावना जताई जा रही है, और जैसा था कि पहले मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और जैसा विकास कह रहे थे ना कि 5 राज्यों में चुनाव है, और लेकिन वो जो चुनाव है ना पंजाब में उतनी संभावनाएं नहीं है बीजेपी को, उसके लिए यूपी उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। आप इसे समझिए कि भले ही लोकसभा चुनाव 2024 में हो, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव एक सेमीफाइनल के तौर पर देखिए, वो प्रधानमंत्री का संसदीय प्रदेश भी है वाराणसी के नाते, तो वहाँ से एक वो मैसेज देंगे कि मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, खासतौर से यूपी से। उसी के आधार पर एक बार यहाँ पर वो सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण अगर वो दिख जाता है, फिर उसके आधार पर इस बात की चर्चा है। वहाँ भी कई सीटें खाली हैं, कई मंत्रियों का निधन कोरोना की वजह से भी हो गया जी। तो वहाँ पर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार करके उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पिछले 3-4 हफ्तों में संगठन से बीजेपी से कई लोगों को अलग अलग निगम बोर्डों में भरा गया, जिस बात की शिकायत की जा रही थी, जिसके लिए वीएल संतोष और राधामोहन सिंह गए थे, तो वो भी किया जाएगा, क्योंकि अब पूरा का पूरा माहौल यूपी में चुनाव का है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। ABP News आपको रखे आगे।